खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया के चिलकहर ब्लॉक के गोपालपुर गांव की यह जान लगाया आरोप। वहीं महिला शशि चौबे ने बताया कि मेरे घर के सामने हमारे पूर्वजों की संपत्ति लगभग एक बीघा जमीन है, इस पर ग्राम प्रधान अपनी नजर बनाए हुए। महिला ने ग्राम प्रधान पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी जमीन को वह ग्राम सभा की जमीन बताकर उस पर कब्जा दिलवाना चाहते हैं। महिला ने आगे बताया कि जमीन को लेकर मैं न्यायालय में केस लड़ रही हूँ, न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसे हम स्वीकार करेंगे। महिला ने बताया कि हम चाहते हैं कि मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए। वहीं ग्राम प्रधान पर महिला द्वारा लगाए गए आरोप के बारे में ग्राम प्रधान से पूछा गया तो प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि सारे आरोप निराधार हैं, वह जमीन ग्राम सभा की जमीन है। उन्होंने मांग किया है कि उच्च अधिकारी आकर मौके पर जांच कर लें, उचित कार्रवाई करें। मेरे घर के सामने जो जमीन दिख रही है वो जमीन ही ये प्रधान जी बार बार आके मुझे धड़की दे रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, बार बार मुझे परेशान कर रहे हैं। वहाँ पे मेरा पेड़ है, पौधा है, जो भी है मेरा समरसेबल है, वहाँ पे मेरा टेबल था, दो मकान थी, उसको मैंने तोड़वा करके सही अपना करवाई हूँ, लेकिन फिर बार बार मुझे ये कह रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं, विद्यालय बनवाना चाहते हैं, लेकिन उस चीज़ को मैं ये कह रही हूँ कि जो भी आपकी परेशानी है ये हमसे कहिए। और ये बार बार कह रहे हैं कि मैं झंडा फहराने के लिए आए थे तो झंडा ये लोग नहीं फहराने दिए, वर्षों से वो हमारी ज़मीन है, हम कैसे उनको झंडा फहराने दें सर। कितनी लंबाई चौड़ाई है ज़मीन की? लगभग लगभग यही लंबाई चौड़ाई मान के चलिए कि ये करीब करीब एक बीघे में है, यहाँ से वहाँ तक दोनों मिला करके। आप जो बता रही हैं जमीन आपकी है, इसका आपके पास कोई एविडेंस या कोई है क्या? मेरे पास ही, मैं कोर्ट से लड़ रही हूँ, मेरे पास कोर्ट की कागज़ है, मैं हाई कोर्ट में गई हूँ, तो जब जो कोर्ट कहेगी वो मैं करूँगी कि इनके कहने से करूँगी। कोर्ट से क्या फैसला आया इसको? कोर्ट से ये फैसला अभी कोर्ट में चल रही है कार्रवाई, जब फैसला मुझे मिलेगा तो फिर मैं जो फैसला करेगा सरकार वो मैं छोड़ दूंगी, छोड़ने के लिए बोलेगा तो छोड़ दूंगी, रखने के लिए बोलेगा रख दूंगी। निकलते हैं हमारे बच्चों से, हमसे बार बार ये कहते हैं कि उस जमीन को आप छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके ऊपर कुछ भी हम कर सकते हैं। अच्छा, कौन कौन कहता है? मेरे गांव के सोनू पांडे प्रधान जी जो हैं वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि आप इस जमीन को छोड़ दीजिए, नहीं तो मैं घर गिरवा दूंगी। नोटिस दो बार मेरे ऊपर भिजवा भी दिए, उसको भी मैं कुछ नहीं बोली, मैं इनसे भाग रही हूँ, मुझे बार बार भेज रहे हैं भी मालिक। अच्छा, तो ये बताइए उसमें अमृत, मेरे ग्राम सभा में अमृत सरोवर की ज़मीन है, वो खड़ा हुआ अमृत सरोवर के नाम से पास हुआ है, और जस्ट पोखरे का जो भीट है उस पर हम लोग वृक्षारोपण भी किए थे, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग हैं जो उस पर उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है, और उन लोगों पर सरकारी लेखपाल द्वारा नोटिस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन एक बार आकर हटवाया, हम लोग अप्लीकेशन दिए थे वो छठ के पहले, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने आकर हटवाया था, लेकिन उन्होंने फिर भी ज़बरदस्ती उसको कब्जा करके रखा है, और कल हम लोग झंडा रोहण करने के लिए गए तो उन्होंने दबंगई के साथ हटा दिया और बदतमीजी किए, मैं और मेरी बीवी प्रधान है वो भी गई थी तो उन्होंने मना कर दिया और अभद्र व्यवहार किए, उसके बाद हम लोग चले आए। आप हमारे लेखपाल से या कांग्रेस से बात कर सकते हो, उनको द्वारा उनको नोटिस भी दिया गया है, लेकिन फिर भी वो लोग दबंगई कर रहे हैं और बार बार अभद्र भाषा के प्रयोग भी वो करते हैं, लेकिन औरत हैं इसीलिए हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। तो किस तरीके से उनका कहना, बाकी किसी का मैं न्यायालय में चला तो न्यायालय के कागज तो दिखा दें, हम तो उस पर कब्जा करने जा रही है ना, हमारी वो ज़मीन है, सरकार की ज़मीन है, और मनरेगा में वो पास हुआ है अमृत सरोवर, तो उस पर तो हम लोग काम कराएंगे, अगर सरकार कर दे जा करके प्रेस कर दे, प्रशासन नहीं कहेगा तो हम लोग काम नहीं करेंगे। जमा लीजिए कि न्यायालय में आपके माध्यम से और हमारे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को मैं अपने आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर झंडा रोहण करना सरकारी ज़मीन पे गलत है तो क्या हम बताएं, आगे प्रशासन और प्रशासन इसके बारे में सोचे, क्योंकि मैं 15 अगस्त का हम लोग झंडा फहराए थे, सरकारी ज़मीन है, झंडा का हम लोग भी बना कर रखे हैं। क्या प्रशासन को आपने शिकायत की? पहली बार SDM साहब को मैंने पत्र के माध्यम से सूचित किया था, छठ के समय जब ये कब्जा की थी तो हटवाने के लिए मैंने पत्र दिया था लिखित, ठीक है, हमारे प्रधान जी सुमन पांडे प्रशासन द्वारा आकर हटवाया भी गया, लेकिन उन्होंने रातों रात कब्जा कर लिया। उसके बाद तो बताता हूँ कि उच्च अधिकारियों द्वारा इस मामले को जाँच करके जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।